हेलो प्यारे बच्चों, एडवला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 11 की वीडियो। गणित की रिवीजन है, क्लास 10th के लिए टारगेट है हमारा सीबीएसई एग्जाम। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम इजी टू 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उससे लेकर 2 एंड मोर मार्क्स के लिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन से एपी का निर्माण करते हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, ठीक है। तो हमें ये बताना है, और अगर एपी हैं, पहले तो हमें बताना है कि एपी हैं कि नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इन दोनों में से जो भी एपी है उनके अगले दो पद भी निकालने हैं। अगले दो का मतलब ये 1, 2, 3, 4 दे रखे हैं, इसके बाद पांचवा और छठा पद भी निकालना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एपी पता लगाना है। तो एपी पता लगाने का तरीका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का पता लगाना। तो हमारे पास जो श्रेणी दे रखी है 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन है, ठीक है बच्चे। तो ये है पहला पद, इसको हम A1 लिख देते हैं, A2, A3, A4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। A2 में से A1 माइनस A1 करेंगे, अगर डिफरेंस जो अंतर है कितना आएगा, 10 माइनस 4, सिंपल क्वेश्चन है, 6 आ गया। ठीक वैसे ही A3 में से A2 माइनस करेंगे, अगले में से पिछले वाले को, तो यह आएगा 16 माइनस 10, 6 आ गया। फिर A4 में से A3 माइनस करके देखेंगे तो 22 माइनस 16, ये भी 6 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि सार्व अंतर जो है हमारा वो सेम आ गया है, समान आ गया। सार्व अंतर यानी कि जिसे D कहते हैं वो 6 आ चुका है। तो इसका मतलब यह है कि यह एपी है, यही सिद्ध करना था ना, मैं भी पता लगाना था हमें एपी है कि नहीं। तो यह एपी है, अगर एपी है तो अगले दो पद निकालने हैं। अगले दो पद कौन से, A5 और A6 निकालना है। तो ध्यान से देखिए A5 कैसे निकलता है, A5 बराबर होगा A+4D, यानी जितना यहाँ लिखा है उससे एक कम लेना है आपको, सिंपल और कुछ नहीं करना है। तो A+4D, A कितना है बच्चे, A को ही A1 कहते हैं, तो A है हमारा 4+4D और D हमारा 6 आया है ना, 6 चौक 24, 4+24 कितना आ गया बताइए, 24 और 4 28, ये आ गया पांचवा पद। ऐसी छठा पद क्या होगा बताइए, आप बताइए, यस राइट, A+5D, इससे एक कम यहाँ D दिखेगा, ठीक है। फॉर्मूला है, इसको हम प्रॉपर और भी फॉर्मूला बताएंगे भी आगे। तो A हो गया 4+5 × D, D है हमारा 6, 4+ ये हो गया 30, 6 × 5 = 30, यानी कि 34, ये आ गया छठा पद, आ गया ना। ठीक वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करना है। चलिए, उसमें माइनस है तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, भाई माइनस आ गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, निकालना हमें वैसे ही है। तो ये है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम अगले में से पिछला यानी A2 में से A1 माइनस करेंगे बिल्कुल वैसे ही, तो ये माइनस का है, फिर माइनस लगाएंगे A1 लिखेंगे, तो दोनों ही माइनस है तो जुड़ जाएंगे, ये आ गया -2। ऐसे ही A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 कितना है -3, फिर माइनस का निशान होगा A2 क्या है -1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएंगे, +1 3, एक माइनस एक प्लस है, 3 में से 1 गया 2 आ गया माइनस का, दोनों सेम आ रहे हैं। चलो अगला भी निकाल के देख लेते हैं, A4 में से A3 माइनस करके देखते हैं, A4 क्या है -5, फिर माइनस A3 है -3, तो कितना आ गया -5, माइनस और माइनस प्लस का 3। अब -5 में से 3 गया -2, हम देख रहे हैं सभी कंडीशन में D सेम आया है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि D वो -2 आ चुका है। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना था, ये एपी है कि नहीं पता लगाना था ना, तो यस यह एपी है। और अगर एपी है तो हमें क्या बताना था, अगले दो पद यानी A5 और A6, A5 होगा A+6D, A कितना है बच्चों, A1 को ही कहते हैं, तो A है 1+6D, D है -2, तो कितना है 1+−6 × 12, 12 में से 1 गया 11, बड़ी का निशान होगा, -11 आएगा, ठीक है।
एक मिनट, यहाँ पांच था ना, सॉरी पांच है तो यहाँ चार लेंगे, मैंने गलती कर दी, चार दुनिया आठ करेंगे, तो आठ में से एक गया सात, क्योंकि गैप ध्यान रखना है ना, गैप ध्यान दीजिएगा, माइनस पांच के बाद माइनस सात ही आना है ना, माइनस पांच के बाद माइनस सात ही आएगा, दो दो का ही तो गैप है, बहुत ज्यादा गैप नहीं हो सकता। तो ए छे क्या होगा, ए जमा इससे कम लेना है, एक कम पांच डी, ठीक है, ए कितना है एक जमा पांच डी, डी तो माइनस दो आया है, तो ये हो गया एक जमा घटा कितना होता है घटा, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, पांच दुनी दस, अब दस में से एक गया नौ, वो भी माइनस का क्योंकि ये बड़ी है, तो देखिए इन दोनों का गैप है ना दो का, माइनस दो का। तो इस तरह से हमने ये सवाल कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद, ये सब आपको एपी वगैरह का पता चल गया है, ए क्या है डी क्या है, तो दो चीजें हमें पता है, कोई भी सवाल करना है ए डी और एन के बारे में आप जान लीजिएगा। तो ए क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद चार है यानी कि ए, और सार्व अंतर माइनस तीन है, तो चलिए हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। प्रथम पद क्या कह रहा है, ये प्रथम पद कह रहा है कि चार है, सवाल नंबर दो यानी कि ए है चार, सार्व अंतर जिसको हम डी कहते हैं माइनस तीन, ये दो चीजें दी हुई है, बड़े आराम से कितने भी पद निकाल सकते हैं, पहले चार पद निकालना है। तो पहला पद तो ए वन ही ए है, वो चार हो गया, दूसरा पद क्या होगा ए प्लस डी, और ए कितना है बच्चों फोर प्लस डी नेगेटिव है, ब्रैकेट में रखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है इसको पूरा कॉपी खोल देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, फोर प्लस माइनस माइनस, ये आ गया एक, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर ए थ्री निकालिए, ए प्लस टू डी, तो ए कितना है चार प्लस टू इंटू डी, डी माइनस तीन है, तो ये आ गया चार प्लस माइनस माइनस, तीन दूनी छ, छ में से चार गया दो माइनस का, ठीक है। फिर ए फोर भी निकाल लेते हैं, तो वो होगा ए प्लस थ्री डी यानी फोर प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री डी, तो ये आ गया फोर प्लस माइनस माइनस नौ यानी माइनस का पांच आ गया। तो क्या कह रहा है ये, प्रथम चार पद कौन कौन से थे, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, इनकी वैल्यू हमने निकाल ली है, ए वन हमारा चार है, ए टू है वन, ये है माइनस दो माइनस पांच, इनके बीच का गैप देखिए, ये माइनस तीन होता है, इनके बीच का अंतर जो सार्व अंतर है वो समान होना चाहिए, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो समझ में आ गया ना आपको, अब आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन, ये आपको एपी दे रखी है दसवां पद निकालना है, तो दसवां पद तो बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन में एपी क्या दे रखी है, एपी है आपके पास दो सात और बारह, ठीक है, ये बारह है, दो सात और बारह एंड सो ऑन। तो देखिए दसवां पद निकालना है, तो कोई भी पद निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, ए और डी, तो ए है जी फर्स्ट टू, डी निकाल लीजिए सात में से दो घटाइए या बारह में से सात घटाइए, सात में से दो घटाएंगे पांच आएगा, पांच पांच का गैप इनके बीच में देखिए, ठीक है, ये हो गया सार्व अंतर। अब उसने क्या कहा है, दसवां पद, दसवां पद मतलब कि ए दस, दसवें नंबर का पद निकालना है, ए दस होगा ए प्लस, बताइए क्या होगा, यस इससे एक कम डी लेंगे नौ, ए प्लस नौ डी, ए है दो प्लस नौ डी है पांच, तो दो हो गया नौ पंजे पैंतालीस, पैंतालीस में दो जोड़िए कितना आया सैंतालीस, तो ये ए दस आ गया हमारा आंसर, क्लियर हो गया 47, सिंपल था ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर, अज्ञात पद, और बच्चे इसको घबरा जाते हैं देख के, एनसीईआरटी की बुक में भी है, इसको आप कर लीजिएगा, अज्ञात पद यानी ये बॉक्स, तो हम पद को गिनते हैं ना, क्या दे रखा है, पहला पद है दूसरा पद है तीसरा पद है चौथा पद है, यही तो कह रहा है ना कि जो अज्ञात पद है वो ए वन, फिर ए टू दिया हुआ है, फिर ए थ्री और ए फोर दिया हुआ है, तो चलिए निकालते हैं इस तरह से है, ठीक है, ए वन नहीं है मेरे पास, हम इसको बोलेंगे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। तो ये बताइए किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक ए और एक डी, ये बहुत जरूरी है ये, तो हमें कहां से निकालना, जहां जो चीजें हमें दे रखी हैं, जैसे ए टू दे रखा है, ए टू होता है ए प्लस डी और ये तेरह है, पहला इक्वेशन बन सकता है ना, ठीक है,
ऐसे ही ए फोर दे रखा है, ए फोर होता है ए प्लस तीन डी, और ये कितना है तीन दे रखा है, ये इक्वेशन दो हो सकता है। चैप्टर थ्री से रिलेटेड हो गया ना, ए और डी हम ऐसे निकाल सकते हैं सिंबल चेंज करके, ए से ए कट गया, माइनस तीन है ये बीच का निशान बता दीजिए, माइनस तीन में से एक गया, माइनस का दो डी आ गया। ऐसे ही तेरह में से तीन घटेगा तो दस आएगा, डी बराबर होगा दस बटा माइनस दो, दो पंजे दस माइनस का, डी बराबर माइनस पांच आ गया, डी आ गया माइनस पांच। जैसे ही डी माइनस पांच आता है किसी भी एक में रख लीजिए इक्वेशन में, चलिए एक से ए निकाल लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे ए प्लस डी, डी तो माइनस पांच है ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस बराबर तेरह, अब माइनस को उधर भेज दीजिए, ए बराबर तेरह जमा पांच, तो ए आ गया अठारह, ए भी आ गया डी भी आ गया। निकालना क्या बताइए, खाली स्थान, तो पहला पद तो आ गया अठारह, अब ये कौन सा था, पहला दूसरा तीसरा, यानी ए थ्री निकालना, तो पहला बॉक्स तो आ गया, अब ए थ्री निकालना, ए प्लस टू डी, तो ए है अठारह प्लस टू, डी माइनस पांच है ब्रैकेट में लिखिए, अठारह प्लस माइनस माइनस पांच दूनी दस, अठारह में से दस गया आठ, तो दोनों ही हमारे बॉक्स वाले आंसर आ गया, अठारह भी आ गया और आठ भी आ गया। क्लियर है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, इसमें पहला पद इस पर दे रखा है, तो जरूरी के सवाल ऐसे हो, पहला दे रखा है ना ए, तो यहाँ पे ए का मान रख लेना, ये कौन सा पद है बताइए, यस ये पद कौन सा है, दूसरा पद है, तो दूसरा पद हमें निकालना है, ठीक है, तो पहला पद आपको दो दे रखा है और ये दूसरा निकालना है, तीसरा पद आपके सामने है, तीसरा पद होता है ए प्लस टू डी जो कि छब्बीस दे रखा है ना, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ए और डी चाहिए यही बता रही हूँ ना मैं आपको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए का मान रख देंगे दो जमा दो डी बराबर छब्बीस, तो दो डी बराबर हो जाएगा छब्बीस माइनस दो, दो डी बराबर होगा चौबीस, तो डी बराबर हो जाएगा चौबीस बट्टा दो, काट दो इसे बारह आ गया, तो डी का मान बारह आ गया, जैसे डी का मान बारह आ जाएगा हम दूसरा पद निकाल लेंगे ए टू, ए प्लस डी होता है, ए है आपका दो प्लस बारह, यानी कि चौदह आंसर आएगा। क्लियर है, ठीक है, ऐसे इसका तीसवा पद निकालना है, इस पांचवे क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है पांचवा, इसको आप कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, ए थर्टी निकालना, जैसे ए दस निकाला था वैसे ए तीस निकलेगा, तो इसको आप खुद करके बताएंगे। चलिए हम छठा करके दिखाते हैं आपको, तो एपी, किसी एपी में यदि ये क्या लिखा है, ए इक्कीस और ए सात चौरासी है, ध्यान देना है, ए इक्कीस माइनस ए सात बराबर चौरासी है, तो सार अंतर यानी डी बताना है, तो इसको हम इसका लिखते हैं ना कि ए इक्कीस होता है क्या है, ए जमा बीस डी, एक कम होता है ना ऐसे माइनस, और ये होता है ए जमा सिक्स डी बराबर चौरासी, ब्रैकेट को अब हम खोलते हैं, ए जमा बीस डी माइनस का ए माइनस का छह डी बराबर चौरासी, ए से ए कट गया, अब देखिए सिर्फ डी दिख रहा है और यही हमें निकालना है, बीस में से छह गया चौदह डी बराबर चौरासी, तो डी निकालना था ना सार्वंतर, इसी को सार्वंतर बोलते हैं, चौरासी बटा चौदह, चौदह छह चौरासी, तो डी बराबर आ गया छह आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया ना बच्चों, चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार नौ चौदह उन्नीस, यही है ना, चार नौ चौदह उन्नीस का कौन सा पद 109 होगा, हमें पता लगाना है, अब ये नहीं पता कौन से नंबर पे ये 109 है, तो हम मान लेते हैं कि ये लास्ट पद पे होगा 109, हम मान लेते हैं, तो लास्ट पद क्या होता है, ये पहला पद a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, लास्ट पद an होता है जब कुछ नहीं मानते, तो क्या चीज हमें पता होना चाहिए, a और d, अब हमें पता लगाना है ये कौन से नंबर पे आएगा, हमें नहीं पता कौन से नंबर पे आएगा, तो हम पता लगाएंगे, तो a है हमारा चार, d निकाल लीजिए, नौ में से चार गया पांच आ गया, देखिए पांच पांच का गैप है, ठीक है, तो ए और डी पता चल गया, गैप ऐसे पता लगाते हैं, गैप जितने का होगा वही डी होगा, तो ये आखिर आखिरी पद है ए एन, ध्यान दीजिएगा 109 है, ए एन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसे हम अभी तक सारे सवाल कर रहे थे वो इसी बेस पे आधारित थे, तो चलिए ए है चार प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 109, अब हम चार को पहले राइट में भेजेंगे, तो एन माइनस वन इंटू फाइव, अब गुणा भी कर सकते हैं इसको, तो 109 में से चार घटाइए 105 आ गया, और ये गुणा में है इसको भाग में भेज दीजिए, आसान हो गया, तो किससे कटा, पांच दुनी दस, पांच एकम पांच, तो n बराबर होगा 21
और माइनस का उधर जाएगा प्लस एक, तो ये 22वां पद आएगा। कौन सा पद आएगा? 22वां पद आएगा, ये 22वें नंबर पे होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। सातवें की तरह ही आठवां हो गया, कह रहा है दो अंकों की कितनी संख्या है? तीन से विभाज्य है। तो देखिए दो अंकों की संख्याएं स्टार्ट कहां से होती है? 10 से, है ना, और खत्म होती है 99 पे। तो तीन से विभाज्य, यानी तीन के पहाड़े में 10 तो आता नहीं, 11 भी नहीं आता, 12 आता है। उसके बाद तीन तीन के अंतर पे आएगा, 12 और 3 15 18 एंड लास्ट संख्या क्या होगी? 99 ही होगी, क्योंकि ये तीन के पहाड़े में आएगी। तीन से विभाज्य का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब पहला पद क्या है? 12, और डी कितना आएगा? तीन तीन का ही गैप है, ये देखिए ध्यान से, 15 में से 12 घटाइए 3 आ गया, ये कोई भी गैप देखिए। और यह है हमारा आखिरी पद, इसी सवाल की तरह नहीं है ये, यस इसी क्वेश्चन की तरह, देखिए सातवें क्वेश्चन की तरह ही है। तो आखिरी पद यानी कि ए एन है 99। तो ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी बराबर 99। ए कितना है? 12 प्लस एन माइनस वन इन टू डी, डी है 3, 99। 12 को आप राइट में भेजेंगे तो एन माइनस वन इन टू 3, 99 में से 12 घटाइए तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, n माइनस वन इंटू 3। अब 3 गुणा में है, भाग में भेज सकते हैं, या जो भी तरीका आपको सॉल्व करने का लगे, बटा 3, 3 दुनी 6, 3 27, तो n बराबर हो गया 29 जमा 1, घटा उधर जाके जमा हो गया, n बराबर हो गया 30 पद। 30 पद हैं, कितने पद हैं? 30 पद। तो n 30 पद आए हैं। क्वेश्चन में ये पूछा कितनी संख्या है जो तीन से भाग है, तो 30 संख्याएं हैं ऐसी जो दो अंकों की हैं, जो कि तीन से भाग है या तीन के पहाड़े में आती हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर आप लोग करके कमेंट में जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।